नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जॉनसन एंड जॉनसन पेट्रोल पंप विरार के मालिक और कामगारों के टकराव का मामला आया सामने। विरार अंतर्गत जॉनसन एंड जॉनसन पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 4 कर्मचारियों को काम से निकाले जाने के चलते पंप मालिक एवं कामगारों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। आपको बता दें, विरार के इस पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारियों का आरोप है कि पंप मालिक इन कर्मचारियों के साथ बदसलूकी कर इनका शोषण करता है और अपनी मनमानी करते हुए कभी भी किसी भी कामगार को नौकरी से निकाल देता है। अभी हाल ही में इस पंप मालिक ने 4 लोगों को काम से निकाला है, ऐसा आरोप भी कामगार लगा रहे हैं। कामगारों की माने तो मालिक काम के बदले पगार के रूप में सिर्फ 5,000 रुपये महीना देता है और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हुए प्रताड़ित करता है। अभी हाल ही में विवाद बढ़ने के बाद सम्राट कामगार यूनियन सेना नामक संस्था के पदाधिकारी संजय पड़वल और उनके कार्यकर्ताओं ने मामले में कूदते हुए पंप मालिक और कामगारों के बीच मामला सुलझाया एवं भविष्य में किसी कामगार को नहीं निकाले जाने का आश्वासन दिया। क्योंकि मामला एक निजी संस्थान का है, इसलिए इस मामले पर ज़्यादा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त खबर को सहयोगी चैनल क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ के संवाददाता तारिक शेख ने रिपोर्ट की है, जिसे चैनल पर प्रसारित करने का मकसद प्रताड़ित लोगों की आवाज़ को जनता के सामने रखा जाना मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। आपका नाम? दिनेश तिवारी। तिवारी जी, आज ये मामला चल रहा है, क्या मामला है आज? दो तीन महीने का पगार भी नहीं मिला हुआ है और मांगे तो मिल भी नहीं रहा है। पगार की वजह से ये मचमच चल रही है और उसकी वजह से सब स्टाफों को निकाला जा रहा है। हमारे घर में खाने को नहीं हो गया, ये हालत हो गई है। आने जाने तक को भाड़ा नहीं रह गया है और सेठ को मांगे तो मैनेजर उल्टा सीधा सवाल करता है, गाली गलौज से बात करता है और जहर खा लो ये खोल के धमकी देता है। क्या आपने इसकी शिकायत कभी पुलिस स्टेशन में की थी? नहीं, कल तो हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन तो कल कंप्लेंट लिया गया है इनके खिलाफ। मैं तो नहीं कंप्लेंट किया था, पर दूसरे 2-3 लोगों ने कंप्लेंट किया था, हम लोग सब साथ में गए थे। आज आपको यूनियन वालों ने सपोर्ट किया है, क्या मामला था और किस तरीके का आपको आश्वासन दिया गया है? सर, गलत का बर्ताव करेंगे तो क्या करेंगे? 5,000 में तो सर कुछ चलता तो नहीं है, घर का खर्चा पानी, और इसके बाद प्लस माँ बहन की गाली देना, वर्कर के साथ गलत ताना करना या किसी को बिना काम का बिना वजूद का भी उल्टा सीधा बोलना या कुछ गलती भी नहीं है तो भी निकाल देना काम से, इसके लिए क्या है? मतलब गरीब, मतलब जो आदमी है उसको कितना भी सताया जाए ऐसा नहीं होता। 5,000 में आप किसी का घर चला लोगे? 5,000 भाड़ा देगा कि घर का खाना चलाएगा कि बाल बच्चे का सेवा करेगा? आपको कितना साल हो गया पेट्रोल पंप पर? 5 साल हो गया सर। 5 साल हो गया। अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है? अभी तो सर बहुत जन को निकाला गया, 4 जन को। आपकी क्या शिकायत थी, कितने लोगों को निकाला जा चुका है और आपसे इन्होंने क्या शिकायत की और आपको मालिक ने क्या आश्वासन दिया? लोगों की ये शिकायत, जो कंगन को कल निकाला गया था, उनको बोला था कि आप काम पे मत जाओ और यहाँ पे आपका काम बराबर नहीं, आप ज़्यादा दादागिरी करोगे तो आपको कपड़ा उतार के आपको हम मारेंगे। तो ये शिकायत थी, तो उनके लिए हम कल इधर आए थे। वो उनके सेठ के जो लड़के हैं, उनका नाम हितेश जी, इनसे हमारा बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला कि कल आप 9 बजे मिलेंगे। तो सेठ ने हमको बोला कि 9 बजे आ जाओ, तो 9 बजे से हम लोग इधर 9:30 बजे तक आ गए। उनसे बात भी हुआ, चर्चा हुई, तो चर्चे में ये निकला है कि सेठ ने अभी तय किया कि सब वर्कर को हम काम पे ले रहे। हमने भी उनको कहा कि सब काम कामगारों को काम पे ले लो, उनसे कुछ गलती होती है तो अपन बैठ के चर्चा करके उनका गलती का जो भी निकालेंगे, जो प्रॉब्लम होएगा उसके लिए हम आपके लिए साथ में। जब आए यहाँ पर, क्या मामला था और किस तरीके से सेठ से आपकी बातचीत हो गई, आप बताइए। इथे विषय असा होता की आपली शिवस्वराज्य जनरल कामगार युनियन आहे, त्याच्यामध्ये इथे काही कामगार आपले सदस्य आहेत तर त्यांना इथे काहीतरी 2 महिन्यापासून जे प्रॉब्लेम्स आहेत, ॲक्च्युली ह्या पेट्रोल पंपचा काय प्रॉब्लेम आहे ते अख्खी वसे विरारला माहिती आहे, पण इथे कामगारांचा हा पहिल्यांदा मुद्दा उठून काल झालेला आहे। कामगारांना इथे होणारी शिवीगाळ, इथे होणारा त्रास, परत त्यांनी जर काम करून जर त्यांना पेमेंट मिळत नसेल, त्या कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये प्रत्येकाला माहिती प्रत्येकाची परिस्थिती काय आहे। शेवटी तेही कामगार आहेत, शेवटी गळ्यापर्यंत आलं तर माणूस पोहायला शिकतो, तो हा प्रकार इथे झालेला आहे। हे लोक आपल्या युनियनमध्ये आल्याच्या नंतर आम्ही इथे आलो, इथे दादा श्यामचं काल बोलणं झालं काका नव्हते, आणि आज आमची मिटकाल आम्ही इथे येऊन पेट्रोल पंप बंद केलं। पेट्रोल पंप बंद करायचं कारण पण एवढंच होतं की जोपर्यंत हे सगळं ह्यांनाच हे बसणार नाही तो पण त्यांना कामगारांच्या पोटाची खळगी माहिती पडणार, त्यासाठी आम्ही काल पेट्रोल पंप बंद केला होता। आज आम्ही आलो, इथे ओनर काका आहेत, त्यांच्याशी आम्ही बोललो, सविस्तर चर्चा केली, त्यांनी पण आम्हाला कामगारांचे काही प्रॉब्लेम्स सांगितले, आम्ही कामगारांशी बोललो,
दोघांचं मिसअंडरस्टँडिंग होतं ते आम्ही इथे अत्यंत क्लिअर करून दिलेलं आहे. याच्यानंतर आम्ही त्यांना अशी ग्वाही पण दिलेली आहे, जर कामगारांचं काय चुकत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट आमच्याशी बोला, आम्ही येऊन काय ते सोल्युशन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. आणि तुम्ही तसं कामगारांना त्रास देऊ नका, जसे तुम्ही आत्ता तसे पुढेही राहा, कामगार पण चुका करणार नाही असे आम्ही त्यांना आमच्या सुस्वराज्य जनरल कामगार युनियनमधून आम्ही त्यांना हा शब्द दिलेला आहे. आम्ही आमचा शब्द पाळतो, तसं मी त्यांनाही रितीताला आणि त्यांच्या वडिलांना रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी पण तो शब्द पाळावा. आणि हे पेट्रोल पंप जेवढं नाव खराब आहे, मी तर आशा बाळगते हितेशदाकडून आणि कामगारांकडून की ह्या पेट्रोल पंपचं नाव जेवढ्या लोक किती चांगलं करता येईल, युनियनच्या माध्यमातून आज लोक बोलली पाहिजेत की ज्या पेट्रोल पंपचं नाव खराब होतं आज वसई विरारमध्ये तेच पेट्रोल पंप टॉप लेवलला आहे, अशी मी यांच्याकडून अपेक्षा करते. कामगार पण आणि ओनर पण हे आमच्या शिवसेनेच्या जनरल कामगार याच्यातून आमची ही अपेक्षा आहे यांच्यावर. ते काही कल्पना नाही, त्यांना उगाच त्यांना सहकार्य केलं वगैरे, तेच मला सांगत होते की हे चिटिंग करताय, हुसको निकालो हुसको निकालो. ते आज त्यांच्या बरोबर ते माझ्या युनियनतर्फे माझ्याकडे आले आहेत आणि त्यांना सांगितलेलं आहे सगळं काही माझ्या पद्धतीने की हे लोक काय करतायत वगैरे, सगळं माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे आणि ते चांगले आहेत ना. त्यांनी मला विचार त्यांना मला सांगा की स्टेटने तुम्हाला कधी चिवळ केलेली कधी कोणाला हेल्प केली की नाही वगैरे, ते स्पष्ट करा. युनियनसमोर त्यांनी ते सगळं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि मी युनियनला एवढंच सांगितलं आहे जे कामगार जी लबाडी करतायत ना त्यांना मी ठेवणार नाही. ते म्हणतात की आता आमची जिम्मेदारी आहे, उद्या परत काय झालं तर तुम्ही आम्हाला बोलवा, आम्ही त्याचा शहानिशा करून टाकू वगैरे. सर या बेसवरती मी त्यांना आता कामाला ठेवत आहे वगैरे आणि मला भविष्यामध्ये असा कोणता परत प्रॉब्लेम होता कामा नये. सर और भी लोगों की ऐसी शिकायत है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो कि शेड को 15 से 20 हज़ार रुपये देती है और शेड हमको महीने के सिर्फ 5 हज़ार को महीने में हमारा घर कैसे चलता है, या शेड का कैसा शेड 5 हज़ार को महीने में कैसा घर चला सकते हैं. कई साल पहले मेरे ख्याल से 2 साल पहले इन लोगों ने एक इन लोगों की बनाई थी और इन लोगों ने खुद मुझे बताया कि हर परचेज पे हम लोग को 25 पैसा कमीशन दे दो सेल पे, और जो सैलरी हमारा जो है ऑलरेडी वही रहना दो, खाली 25 पैसा हमको कमीशन देने का. अभी क्या सेल कम हो गया है तो इन लोगों का कमीशन के बेस पे पैसा कम आता है, तो उन लोग ने मुझे कभी शिकायत तो की नहीं, लेकिन उन लोग ने अलग तरीका भी अजमाया. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.